जी हमारे राज्य के चुनाव जो हो रहे हैं ये हमारे महत्वपूर्ण है। कर्नाटका से उत्तर प्रदेश का क्या लेना देना है, अभी वहाँ की पॉलिटिक्स अलग है और उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल अलग है। चुनाव होने दीजिए तो जरूर आयोग पे जाएंगे अगर इस तरह की सूचनाएं आती है। अभी हमारा निवेदन है शासन से कि जो बाहर के रुके हुए मंत्री हैं और जो जनप्रतिनिधि यहाँ रुके हुए बाहर के जो है उन सबको कहें कि वह बाहर जाए, क्योंकि लगातार मैंने बोला है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र स्थापित हो भारत देश में। तो मेरा आप सबसे मीडिया वालों से भी विशेष अनुरोध है कि आप इस पे ध्यान दें और लगातार हम आपसे संपर्क में रहेंगे अगर किसी भी तरह की सूचना में मिलती है। हम सबको ये बात माननी होगी कि पूरा प्रदेश आज कष्ट भरा हुआ है, जनता हाहाकार में डूबी हुई है। जहाँ अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए हमारे बच्चों को, जहाँ रोजगार मिलना चाहिए युवाओं को, हम किसी भी गांव चले जाए कहीं भी चले जाए आपको युवाओं की संख्या इतनी ज्यादा नजर आएगी कि उनके पास कोई काम भी नहीं है तो युवा कहाँ जाए। बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, जहाँ रोज उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आए दिन कोई ना कोई घटना सुनने को मिलती है। तो इसमें सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है लेकिन सरकार यह बात मानने को तैयार नहीं है। यह डिसीजन तो राष्ट्रपति जी का और बड़े सीनियर लीडर्स का है क्योंकि वो आपकी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। मैं आपको इस फिर से बोल रही हूँ कि मेनपुरी का चुनाव हम सभी बहुत टेंशन पॉइंट रहा है और आगे भी यही रहेगा और मैं खुद अपनी निगरानी में पूरी कोशिश करूंगी कि जब नगर निकाय चुनाव का रिजल्ट आएगा और जब हम जीतेंगे तो यहाँ लगातार विकास कैसे बना रहे, सफाई कैसे हो, हमारे जो शिक्षा के मंदिर हैं, GIOS ऑफिस है, चाहे हमारा बेसिक अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी ऑफिस है, चाहे हमारे इंटर कॉलेज है महिलाओं के लिए और राजकीय पुस्तकालय है, जो भी इस तरह के ऑफिस है यहाँ पे साफ सफाई और सुविधाएं देने का काम समाजवादी पार्टी मिलकर करेंगे। धन्यवाद। क्षेत्र मेरा क्षेत्र है और मैं यहीं पे बनी रहूंगी और अगर किसी भी तरह की कोई भी सूचना आएगी तो उसमें हम पूरी कार्रवाई करेंगे। सभी प्रतिनिधियों को समझने की जरूरत है कि किस तरह लगातार बसपा समाजवादी पार्टी पे टारगेट करती है जिससे कि हमारे प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा हारे और ज्यादा से ज्यादा जो फायदा है वो भाजपा को पहुंचे। प्रचार बहुत धुआंधार चल रहा था समाजवादी पार्टी का और बहुत अच्छी हमको रिपोर्टिंग मिल रही थी और मैं हमेशा से साथ की हमेशा से लगातार संपर्क में बनी हुई थी। तो हमारी ये मांग है कि निष्पक्ष जांच हो, दोनों पक्ष के अपने अपने कहना है और निष्पक्ष जांच हो और मैं समझती हूँ कि एक कोर्ट सिस्टम अपनी क्रेस कोर्ट में है, कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या परिणाम निकलता है। सभी नगर पालिका नगर पंचायत बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी लड़ रही है और परिणाम आएंगे तो आप देखिएगा और हमें ऐसी सूचना मिल रही है लगातार कि यहाँ पे मंत्री लोग आके रुके हुए हैं जिन्हें अब ये भूमि छोड़ देनी चाहिए, क्षेत्र छोड़ देना चाहिए क्योंकि बाहर के लोग हैं और किसी भी चुनाव में जो जनप्रतिनिधि नहीं है वो यहाँ नहीं रुक सकते हैं। तो मेरी प्रशासन से अपील है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी नियम है उन्हें वो पालन करे और जो भी बाहर के यहाँ पे मंत्री लोग रुके हुए हैं और जिन प्रतिनिधि रुके हैं बाहर के सबको कहें कि वो इस क्षेत्र को छोड़ के जाए क्योंकि चुनाव होने जा रहा है और लगातार प्रशासन सरकार के दबाव में है और अभी जो घटना हुई है करनाल में भी, करनाल में जहाँ महिलाओं को डंडे मारे गए हैं और प्रशासन चाह रहा है कि चुनाव सही ढंग से ना हो पाए, लगातार यह सरकार और प्रशासन का एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है सामाजिक कार्यकर्ताओं पे, जनता के ऊपर कि वह वोट डालने के ना निकल पाए या फिर घर में चुपचाप बैठ जाए। लगातार संविधान को उत्तर प्रदेश में कुचला जा रहा है और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है जो हमारा हक और अधिकार है। तो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने का यही उद्देश्य था कि हम अपनी बात आप लोगों के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं पर मतदाताओं तक पहुंचा सके और मैं सबसे अपील करना चाहूंगी कि जिस तरह आपने लोकसभा चुनाव मैनपुरी में
बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। प्रशासन के दबाव में आप नहीं आए। हमारे समाजवादी कार्यकर्ता जिन्होंने बूथ पे निगरानी रखी और वह प्रशासन से बराबर लड़े और लगातार हम अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क में उस समय भी थे और अभी भी हैं। और किसी पे भी कोई भी अगर दबाव बनाता है तो हम लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस बार समाजवादी पार्टी बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है और सरकार वाले इस बात से थोड़ा डगमगा रहे हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि हमारी बहुत अच्छी ये हमारी जो लोधी सुमन जी हैं, लोधी सुमन राजपूत जी हैं, ये भी बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रही हैं। और अब देखिएगा जिस तरह नेताजी का सम्मान बढ़ाने का काम किया था मैनपुरी के सभी मतदाताओं ने और मेरा सम्मान बढ़ाने का भी काम किया है और उन्हें विश्वास है समाजवादी सोच पे कि वह यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ जितने भी कार्य आप देखते हैं जो हुए हैं नेताजी के जब सांसद थे, क्योंकि नेताजी की यह कर्म भूमि रही है और जब समाजवादी पार्टी की सरकार जीती तो लगातार मैनपुरी। अब आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह की चीजें राजनीति में होती है, कौन किसकी कब तारीफ क्यों करता है, ये तो आप सबको समझना पड़ेगा। लेकिन यह केस सुप्रीम कोर्ट के नजरों में है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में इसकी सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को ही साइड करने देते हैं।